तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शटडाउन टाइमर कैसे क्रिएट करते हैं कंप्यूटर में। होता क्या है, कभी कभी हम फाइल डाउनलोड पर लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए रात में सोने का टाइम है, आपने फाइल डाउनलोड पर लगा दी, अब एक घंटे का दो घंटे का टाइम उसमें शो कर रहा है, तो उतनी देर तक मतलब जगना तो पॉसिबल नहीं होता। तो उस केस में शटडाउन टाइमर हमारी बहुत हेल्प करता है, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम के बाद कंप्यूटर अपने आप शटडाउन हो जाएगा। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट करना भी बहुत आसान है। ठीक है, देखिए बीच में कहीं पर भी ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करिए और शॉर्टकट पे जाइए। ये देखिए न्यू पे जाइए, उसके बाद यहां पर आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए न्यू पे गए और वहां पे जब आप इस पे कर्सर ले जाएंगे तो ये देखिए ये है शॉर्टकट, बस इस पे क्लिक कर दीजिए। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का छोटा सा विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए हमें लिखना क्या वो समझ लीजिए, shut down शट डाउन। ठीक है, स्पेस देना है, माइनस का साइन या एस लगाना है, सॉरी माइनस साइन और एस लगाना है, उसके बाद फिर स्पेस देना है, फिर माइनस का साइन, उसके बाद टी लिखना है। अब उसके बाद ये देखिएगा कि जो टाइम आप दे रहे हैं वो सेकंड्स में हमें देना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक घंटे का टाइम है तो हमें 3600, ठीक है, अगर एक मिनट में करना है तो 60। ठीक है, तो उसी तरीके से आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। एक घंटे का देखिए मैं लगा रहा हूं तो यहां पर देखिए 3600 आपको शो हो रहा है। ये देखिए शट डाउन स्पेस माइनस एस स्पेस माइनस टी स्पेस 3600। ठीक है, उसके बाद हम यहां नीचे पे जाएंगे और नेक्स्ट लिख देंगे। अब यहां पर ये नाम पूछ रहा है तो नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, शट डाउन वन आवर लिख देते हैं यहां पे। ठीक है, वन आवर, ठीक, ये हो गया, मैं शो कर देता हूं आपको। ये देखिए शट डाउन वन आवर डॉट exe। ठीक है, यहां से इसको मिनिमाइज करते हैं वापस से। अब यहां से चलते हैं नीचे, देखिए फिनिश का ऑप्शन यहां पर शो हो रहा है आपको। ठीक है, ये फिनिश, बस इस फिनिश पे क्लिक करिए और ये देखिए एक छोटा सा शटडाउन आपके सामने क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आइकॉनिक लुक देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका आइकन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइकन चेंज करना भी देखिए बहुत आसान है, सिंपल राइट क्लिक करिए और यहां नीचे देखिए प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, ये रही प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपके सामने एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन है तो हमें चेंज आइकॉन पे जाना है, ये रहा नीचे चेंज आइकॉन। ठीक है, ये चेंज आइकॉन यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए, यहां से इसको ओके कर दीजिए। तो ये देखिए आपके सामने बहुत सारे आइकन शो हो रहे हैं, जो भी आप रखना चाहें, हम एक ले लेते हैं, ये शटडाउन जैसा लग रहा है देखने में। ठीक है, यहां से इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद नीचे से हमें अप्लाई करना, ये रहा अप्लाई का साइन, और उसको यहां से ओके कर दीजिए। तो जैसे आप ओके करेंगे तो आप ये देखिए शटडाउन का टाइम यहाँ पे, टाइमर यहाँ पे, सॉरी आइकन यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये देखिए एक घंटे का मैंने बनाया हुआ है। अब जब भी मुझे मतलब एक घंटे बाद अपना कंप्यूटर शटडाउन करना, बस मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल इस पर डबल क्लिक करना है और आपका टाइमर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि एक घंटे बाद आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो शटडाउन हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इस पर बस ऐसे डबल क्लिक करना है। ठीक है, ये डबल क्लिक कर दिया और टाइमर आपका एक्टिवेट हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।